हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मर्सिडीज़ की 350 फोरमेटिक गाड़ी है। ये कुछ दिन हमारे पास आई थी, ये गाड़ी हमारे पास कुछ दिन पहले आई थी। इसका कंप्लेन क्या था फ्रेंड, इसका जो एयर कंप्रेसर का, इसका जो एयरमेटिक कंप्रेसर आता है फ्रेंड, इसका कुछ दिन पहले शॉर्ट हो गया था, ख़राब हो गया था पूरी तरह से। तो हमने इसे रिप्लेस करके दिया था। तो उस समय फ्रेंड कस्टमर ने क्या किया था, ये जहाँ पे जैसे इन्होंने पूना में गए थे, तो वहाँ इनका जो एयरमेटिक कंप्रेसर आता है वो ख़राब हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, इस गाड़ी को कम से कम 20 से 25 किलोमीटर रनिंग कर दिया था। तो गाड़ी पूरी तरह से बैठ गया था, तो बैठने में इन्होंने रनिंग कर दिया था। इसके लिए इनका आगे का जो दोनों सॉकअप आता है वो भी वीक हो गया था। तो उस समय हमने उनको बोला था कि सॉकअप भी आपका रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उस समय इनका बजट नहीं था, क्योंकि एयरमेटिक जो कंप्रेसर आता है वही कुछ लाख रुपये 1.25 लाख रुपये के ऊपर आता है, और इसका सॉकअप का भी प्राइस बहुत हाई है दोनों का। तो उसके लिए उस समय उन्होंने नहीं रिप्लेस किया था। तो आज आए हैं, तो आज हम इसका सॉकअप रिप्लेस करेंगे। और आपको फ्रेंड एक और बात बता देते हैं कि आपका अगर गाड़ी हो और आपका भी एयरमेटिक कंप्रेसर अगर ख़राब हो जाए और आपका गाड़ी बैठ जाए, तो आप रनिंग मत कीजिएगा। वहीं से टोचन को फ़ोन करके, किसी टोचन वाले को नज़दीकी में टोचन वाले को फ़ोन करके, वहाँ से टोचन करके गाड़ी गैरेज पे लेके जाइएगा। इसे कभी भी चलाइएगा मत, नहीं तो आपका भी ऐसा फटका लग सकता है फ्रेंड, क्योंकि टोचन में ज़्यादा से ज़्यादा 2000-4000 जाएगा। अभी सॉकअप का प्राइस फ्रेंड आप सुनेंगे तो बहुत हाई है, कम से कम 2.5 से 3 लाख का है। तो ये इनको फटका पड़ गया है। अगर ये टोचन करके लाए रहते हमारे गैरेज पर तो ये फटका नहीं पड़ता था। तो फ्रेंड आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप मत कीजिएगा। आपका गाड़ी अगर बैठ जाए तो वहाँ से टोचन वाले को फ़ोन करके और टोचन करके गाड़ी लाइएगा। देख सकते हैं फ्रेंड इसका कंप्लेन क्या है। हमने एयरमेटिक जो कंप्रेसर है तो चेंज कर दिया है, लेकिन इसका क्या होता है, हफ्ता 10 दिन गाड़ी खड़ा रहता है तो इसका आगे से जो हाइट है वो डाउन हो जाता है सॉकअप ख़राब होने की वजह से। आप इसका पीछे का हाइट देख सकते हैं कितना है, ये देखिए इसका पीछे का हाइट देख सकते हैं आप। यही प्रॉब्लम है फ्रेंड, तो हम इसका सॉकअप रिप्लेस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इस गाड़ी को स्टैंड पे ले लिए हैं। हम इसका सॉकअप अब ओपन करना चालू कर रहे हैं। तो आपको हम बताते हैं कि इसका सॉकअप ओपन करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है। सबसे पहले तो इसका जो स्टेयरिंग का एंड आता है टायर रॉड, इसको ओपन कर लीजिए। देख सकते हैं हमने इधर से ओपन किया है। उसके बाद से लिंक रॉड आता है, ये लिंक रॉड को यहाँ सॉकअप कैसे ओपन कीजिए। इसके से अप्पर का जो कैची आता है, अप्पर लोअर आर्म बोलते हैं, यहाँ से निकल से इसको ओपन कर दीजिए। और इसका जो ABS का सेंसर आता है यहाँ पे, ABS का सेंसर भी ओपन कर दीजिए। कि फ्रेंड क्या होता है, अगर ये कैची आप निकल बाहर लेंगे, थोड़ा नीचे दबाएंगे तो ABS का वायर पे लोड आएगा, इसके लिए ABS का वायर भी ओपन कर दीजिएगा। और इसका ब्रेक पैड का जो सेंसर आता है ये ABS को भी, इसको भी ओपन करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम ओपन करेंगे और सॉकअप को फिर बाहर निकालेंगे। उसके बाद से इधर जो ऊपर में देख सकते हैं सॉकअप में 13 का 3 नट आता है, इसे भी ओपन करना पड़ेगा। और जो एयरमेटिक का जो एयर भरने के लिए जो पाइप दिया जाता है 10 नंबर का, इसे भी यहाँ से ओपन करेंगे। इसके बाद से सॉकअप आपका बाहर आ जाएगा। तो सारी चीज़ें हम ओपन करेंगे और सॉकअप को बाहर निकालेंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमने सारी चीज़ें ओपन कर दी है। ये स्टेयरिंग का टायर रॉड है, ये लिंकेज है, इसे भी हमने ओपन किया है। ये सॉकअप का जो कैंची में बोर्ड लगता है, इसे भी आपको ओपन करना पड़ेगा, ये भी हमने ओपन किया है। ये अपर लोरम आता है, इसे भी हमने निकल से ओपन किया है। ठीक है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हमने ओपन की है। ABS का सेंसर भी ओपन किया है। तो अब हम इसका ऊपर का बोर्ड खोलेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड ये पाइप हम ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से एयर निकल रहा है ये पाइप से।
था जो संख्या में था जो वगैरह हटा थोड़ा तो फाइनली फ्रेंड ये सॉकअप हमने बाहर ले लिया है। ये देख सकते हैं इसका जूना सॉकअप है, इसका नया सॉकअप दिखाइए अंसारी जी। ये देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका नया सॉकअप है जो हम इस गाड़ी में फिट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड तो इसको हम फिट करके दिखाते हैं। सेम है सेम है। अच्छा हाँ इसी पोजीशन निकल को दबा पकड़ के रखिए अंसारी जी। ये हम नए सॉक को फिट कर रहे फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड ये नया सॉकअप हमने गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है। अब जो बाकी चीज़ें खोले हैं उसे फिट करेंगे और फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड इसका हम ऊपर का एयर का जो पाइप आता है उसे फिट कर रहे हैं। कभी फ्रेंड इसको पूरा हाथ से टच कीजिएगा, इसमें फिक्स पाना कभी भी यूज मत कीजिएगा नहीं तो इसका थ्रेड जो है स्लिप हो जाएगा अगर क्रॉस बैठा रहेगा तो। आप देख सकते हैं हमने पूरा हाथ से इसको टच किया है, ये देख सकते हैं। आप इसको कभी भी फिक्स पाने से ऐसा मत टच कीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा पाइप भी टाइट हो गया है। पहले इसको पूरी तरह से हाथ से इसको पूरा टच कर लीजिएगा, उसके बाद फिक्स पाने से हल्के हाथों से टच कर दीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड ये हमारा राइट साइड का सॉकअप फिट हो रहा है। इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड का भी सॉकअप फिट करेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड का हमने फिट कर दिया है और जो भी चीज़ हमने ओपन की थी उसकी फिटिंग कर रहे हैं। फाइनली फ्रेंड ये राइट साइड का जो सॉकअप था हमने पूरी तरह से फिट करके कंप्लीट कर दिया है। इसकी सारी चीज़ें जो जो ओपन की थी ये देख सकते हैं। ये राइट साइड का सॉकअप था फ्रेंड। हमने ABS का सेंसर वेंसर ब्रेक पैड का सेंसर जो भी हमने ओपन किए थे सारी चीज़ें हमने पूरी तरह से फिट कर दी है। अब इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड का सॉकअप ओपन करेंगे और नया सॉकअप फिट करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड का ओपन करना चालू किए फ्रेंड। ये देख सकते हैं हम लेफ्ट साइड का वो जूना सॉकअप है जो ओपन कर रहे हैं।
तो फिर ओपन करके आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार से फ्रेंड हमने राइट साइड का ओपन किया था, फिटिंग किया था, उसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड का भी ओपन फिट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा लेफ्ट साइड का सॉकअप है, जूना वाला, नया हमने इसमें फिट कर दिया है, देख सकते हैं। अब बाकी चीज़ें जो ओपन की थी उसे फिट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, फिट करके हम आपको दिखाएंगे फाइनल। दोनों साइड का हमने सॉकअप फिट कर दिया है, अब इसे फाइनल करके और गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं इसका हाइट लेवल कितना आता है करके। हमने बाकी सारी चीज़ें फिट कर दी है, इसका ऊपर का पाइप फंसा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसको पूरा हाथ से टच कीजिएगा, इस पर पाना का यूज मत कीजिएगा जब तक पूरी तरह से टच ना हो जाए। देख सकते हैं ये पूरी तरह से हमने हाथ से टच कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इस गाड़ी का टायर वायर लगाएंगे, टायर लगा के डाउन करके फिर स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड, ये जो हमारा सॉकअप फिटिंग करने का वीडियो था वो पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके हमने जो जो पार्ट खोले थे सब प्रॉपर तरीके से फिट कर दिए हैं। इसका टायर रॉड जो आता है, लिंकेज आता है, अपर लोअर आराम आता है, वो सब हमने फिट कर दिया फाइनली। इसका ABS का सेंसर आता है, देख सकते हैं ये भी सब फिट कर दिया है। ये लेफ्ट साइड का है, इसी प्रकार हमने राइट साइड का पूरी तरह से फिट कर दिया है। अब फाइनली इसका टायर लगाने का, ये टायर लगाइए। अब हम इसका टायर लगाने जा रहे हैं, व्हील लगा कर और डाउन करके उसका स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसका जो हाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं। देख सकते हैं राइट साइड का हमारा है, ये भी फाइनली पूरी तरह से ओके हो चुका है। देख सकते हैं नया सॉकअप आपको दिख रहा है, जो जो पार्ट हमने ओपन किए तो भी सारे फिट कर दिए हैं। दोनों सॉकअप फ्रेंड मर्सिडीज 350 4Matic ML का था जो हमने सॉकअप चेंज किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका व्हील लगाते हैं और उसका डाउन करके स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, हमने दोनों साइड का सॉकअप रिप्लेस कर दिया है और व्हील लगाकर डाउन भी कर दिया। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी हमारी पूरी तरह से बैठी हुई है। तो हम अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो हाइट का प्रॉब्लम था सॉल्व होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक हाइट होता है कि नहीं। अंसारी जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, दो तीन बार फिर। गाड़ी से बाहर निकले, बाहर निकल। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा मोटर चालू हो गया है। देख सकते फ्रेंड कि फाइनली हमारी गाड़ी हाइट हो रही है दोनों साइड से।
देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारी गाड़ी हाइट हो चुकी है फ्रेंड। ये लेफ्ट साइड का है, हम आप राइट साइड में दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारे राइट साइड का है, राइट साइड से भी हमारी पूरी हाइट हो चुकी है और लेफ्ट साइड से भी हाइट हो चुकी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड तो अब फ्रेंड इसका हम एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, एक टेस्ट ड्राइव लेकर और गाड़ी को फाइनल चेक करके फिर कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमने इसका सॉकअप रिप्लेस का वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।